हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक कॉमन डाउट है जो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हो कि सर क्या एसर्शन रीजनिंग हमें करना है, या बोल रहे हैं बच्चे एसर्शन रीजनिंग में बहुत डाउट आ रहे हैं। दो तरीके कमेंट और आपके मैसेज देख रहा हूँ। आपको भी कोई डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। साथ के साथ क्लास टेंथ के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने एक सीक्रेट फोल्डर बनाया है। सीक्रेट फोल्डर मतलब जो सबके पास नहीं होगा, ठीक है, उन्हीं बच्चों के पास होगा। उसमें फायदे क्या, आपको सारे फॉर्मूले एक साथ मिल रहे हैं, सीबीएसई का सैंपल पेपर, और अभी सैंपल पेपर भी इसमें आ जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, साथ के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइंस के भी नोट्स हैं। ये मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ऐड किया है। तो सोचो हर वो चीज़ आपको मिल रही है जो आपको 100 में 100 स्कोर करवाएगी, तो क्यों ना आप इसमें करें। अब ये कैसे मिलेगा आपको, सिंपल यार, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बहुत सिंपल, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, जिससे कि उस बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जो बच्चा एफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ फिलहाल टॉपिक की कि एसर्शन रीजनिंग आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो अगर मैं सैंपल पेपर आपको दिखाऊं तो ये हमारा क्लास 10 का है सैंपल पेपर, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, दोनों में फॉर्मेट की बात करें, ठीक है, तो आपको कहीं भी यहाँ पे एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। आप देख लीजिए पूरा सैंपल पेपर उठा के अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं भी यहाँ पे नहीं दिखेगा कि यार पेपर में कहीं भी एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई एसर्शन रीजनिंग की, अचानक से बच्चे ऐसे कमेंट क्यों करने लगे, केस स्टडी के क्वेश्चन है। बस स्टार्टिंग इसलिए हुई क्योंकि जब सीबीएसई ने बोला कि हम दो टर्म लेंगे, टर्म वन एंड टर्म टू, ठीक है, टर्म वन एंड टर्म टू, और ये बताया गया कि टर्म वन में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, केस स्टडी बेस आएंगे, और उसमें लिखा था एसर्शन रीजनिंग भी के भी क्वेश्चन होंगे। तो वहीं से क्या हुआ, उसके बाद क्या हुई, सारी बुक में एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, मतलब जिसकी भी क्वेश्चन बैंक आप उठाओगे उसमें एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। टीचर ने भी बताना शुरू कर दिया एसर्शन रीजनिंग करना है, केस स्टडी करना है, तो बच्चों में क्यूरियोसिटी आ गई कि एसर्शन रीजनिंग है। लेकिन जब सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें एसर्शन रीजनिंग नहीं था, तो क्या माने जो पहले बोला गया था जो अब है। देखो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कई बार क्या होता है सीबीएसई ने कुछ बोला, बाद में सैंपल पेपर में वो चीज नहीं थे, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो सैंपल पेपर है उसके बिहाफ पे सीबीएसई पेपर बनाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर में एसर्शन रीजनिंग नहीं दिया है तो इसका मतलब नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं आएगा ये कितने परसेंट में बोल सकता हूँ, 99%, बहुत माइनर सा परसेंटेज है, 1% या उससे कम, कि गलती से एक आधा क्वेश्चन दे दिया। वैसे तो देंगे नहीं, वैसे तो नहीं देंगे, आप मैं कह रहा हूँ ना नहीं देंगे। तो जो बच्चों ने अभी ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो परेशान मत हो, नहीं आएगा, ठीक है, वो लोग परेशान ना हो, ठीक है। जिन्होंने पढ़ लिया है तो वो लोग ये कर सकते हैं कि मैंने एसर्शन रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्रिक क्या है, मतलब आपको कई बार क्वेश्चन देखने लग रहा हो एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे करें, तो मैंने यहाँ पे ट्रिक बता रखी है, उस ट्रिक का यूज करना बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बता सकता हूँ, इस वीडियो को देख लेना, इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। देखो अब कंक्लूजन कर लेते हैं वीडियो का, जिन बच्चों ने अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज डिस्टर्ब ना हो एसर्शन रीजनिंग को सोच के, 99.99% है कि नहीं आएगा यार, नहीं आएगा, ठीक है। सीबीएसई जैसे सैंपल पेपर देता है वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में देगा, ये बिल्कुल 99.99% रहता है। मान लो एक 0. कुछ परसेंट है जिसमें एक क्वेश्चन दे दिया, तो कोई परेशान नहीं होना है एसर्शन रीजनिंग की, ये जो ट्रिक मैंने इस वीडियो में बताई है उससे आप समझ जाना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत आसान है यार। क्वेश्चन ये सोचो, आपको लॉजिक पता है, बस वही होता है, बस उसको एसर्शन रीजनिंग में दे देते हैं, तो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। जैसे कुछ बच्चे बोले सर हम प्रैक्टिस कहां से करें, तो मैं कहूंगा प्रैक्टिस आपको एसर्शन रीजनिंग की करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस तो वही होते हैं, उन्हीं को एसर्शन रीजनिंग में डाल देते हैं, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए सॉल्व करने की, तो वो मैंने वीडियो में बता रखी है, तो ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी ट्रिक एक बार फिर भी देख लेना, कम से कम पता तो हो क्या होता है एसर्शन रीजनिंग, पता कर लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी, और बाकी हाँ एक चीज और मैं जाते जाते आपको बता दूं, जो हमारा अपना जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में जाना, और यहाँ पे मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूँ, चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके नीचे स्क्रॉल करना, सैंपल पेपर भी सॉल्व करवा दिया पूरा, शॉर्ट ट्रिक फॉर टर्म वन, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, आप इनको जरूर चेक करें, काफी हेल्प मिलेगी, आप 10 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, और क्या चाहिए, ठीक है, ठीक है। इन सब चीजों को साथ में रखकर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, और बाकी आप लोग अच्छे अच्छे स्कोर तो करेंगी और बाकी बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल, लास्ट में की बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।